हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक और नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि न्यूटन स्कूल की तरफ से निकाली गई है। तो इसमें वैसे तो कई प्रोफाइल पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, और ये जो आपकी वैकेंसी है इसमें फ़ाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, ओके। और आपको अगर अपनी लोकल लैंग्वेज आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी में आप वहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है आपके लिए। अब इसमें जो प्रोफाइल हैं वो कई सारी हैं, तो मैं आज सिर्फ बात करने वाला हूँ बिज़नेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग की, जिसमें आपकी क्या है कि आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा, एक एक स्टेप फाइनल सबमिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बाद में कमेंट आते हैं कि आप सही तरह से समझाते नहीं हो, ठीक है, फॉर्म भर के नहीं दिखाते हो, तो वो सब प्रॉब्लम आज मैं, ठीक है, पूरा जो फॉर्म है वो पूरा सबमिट करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो ले चलता हूँ, इस वेबसाइट पे जाना है आपको, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। अब ये न्यूटन स्कूल में कई तरह की प्रोफाइल निकली हुई है, ठीक है, कई तरह की प्रोफाइल पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे कई तरह की जॉब दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी, कई तरह की प्रोफाइल पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो मैं मेनली आज इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके। अब पहले ये जान लो न्यूटन स्कूल है क्या, ठीक है। तो देखो, न्यूटन स्कूल क्या है कि आपको ये प्लेसमेंट कराने की गारंटी लेता है 100% बिना कुछ पैसे लिए हुए। पहले आपका प्लेसमेंट कराएगा, उसके बाद आपको पे करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये सिस्टम है। तो इसमें ये कई तरह की प्रोफाइल पर वैकेंसी, और देखो ये कई सारे बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, गुड फूड, हेल्थ केयर एंड वेलफेयर, ठीक है, सभी तरह के ये आप देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट हैं। मैं मेनली इसमें अप्लाई करने का बता रहा हूँ, और ये आपका, तो ये बताया अबाउट न्यूटन स्कूल क्या है, ये देखो तैयारी कराएगा आपकी, ठीक है, और इसमें आपको प्लेसमेंट के इंटरव्यू जो होते हैं प्लेसमेंट के लिए, उन इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, स्किल डेवलप कराते हैं, और आपका 100% प्लेसमेंट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पे करना होता है, मेन काम यही रहने वाला है इसमें। अच्छा, इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, 21 and 22 आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, जो 21 and 22 में पास आउट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, और सब वही चीज़ें हैं। अब इसमें अप्लाई करते हैं, अप्लाई फॉर दिस जॉब, ओके, यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको CV सबमिट करना है, ठीक है, ओके। तो आप CV सबमिट कर दोगे यहाँ पे, CV, उसके बाद फुल नेम डालना है, जैसे पूरा नाम, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है, पूरा नाम डालना है, मेल डालना है इसमें, फ़ोन नंबर, करंट कंपनी यदि है तो, ठीक है, वरना ऑप्शनल है, आप कुछ नहीं डाल सकते, खाली छोड़ सकते हो, ये सब ऑप्शनल है। लिंक्डइन URL, आपका ट्विटर, तो अगर इनकी जो आप देना चाहते हो अगर कोई लिंक तो आप दे सकते हो, ठीक है। लोकेशन एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, आर यू करंटली एट बेंगलोर या फिर विलिंग टू रिलोकेट टू बेंगलोर, आप बेंगलोर में रहते हो या फिर बेंगलोर के लिए रिलोकेट हो सकते हो, तो इस पर यस करना, ठीक है, पहले जॉब ले लो, बाद में इच्छा हो तो करना, ठीक है। आप इसे समझ के छोड़ दो कि मुझे बेंगलोर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। पहले क्या करो, पहले आप जॉब लो, इसमें आप टेस्ट क्वालिफाई करो, उसके बाद ऑफर लेटर आ जाए, अगर इच्छा हो तो जाना वरना मत जाना। अगर पैकेज ठीक है, 8-10 लाख तक का पैकेज है, तो फिर अपने हिसाब से देख लेना। आर यू विलिंग टू वर्क फ्रॉम आवर ऑफिस एट बेंगलोर, क्या आप हमारे वर्क फ्रॉम ऑफिस से काम कर सकते हो बेंगलोर से, तो इस पर भी यस कर देना, ठीक है। सैलरी करंट CTC, तो इसमें आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो तो आप इसमें लिख सकते हो NA, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। एक्सपेक्टेड, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, भर सकते हो कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, आप लिख सकते हो CTC, आप लिख सकते हो 6 LPA या फिर
फाइव या फोर या फिर आगे 10 LPA 15 जितना चाहिए उतना इसमें लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उनको जो उनका होगा वो अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें आप कुछ लिख सकते हो, ऐड अ कवर लेटर, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, ठीक है, आप जो शेयर करना चाहते हो वो इसमें फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको आई एम अ ह्यूमन, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। अब ये कह रहा है कि प्लीज़ क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग अ मोटरसाइकिल, ठीक है, जो मोटरसाइकिल है उस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, इसमें और ये, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो चुका है, अब यहाँ से आपको डायरेक्ट सबमिट कर देना है। ओके, बस इतना सा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो और भी कोई डाउट हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जितनी भी प्रोफाइल हैं आपको जो भी ठीक ठाक लगे उसमें देख लेना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके हिसाब से ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।